नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्रवेश पॉड में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, मैं आपको अगर किसी भी आप जैसे मक्स लाइन पर अगर आप बुकिंग डालते हैं तो आपको जैसे बीएल ड्राफ्ट वगैरह सारा कुछ आपको मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। अब आपको इस वीडियो में आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि अगर जैसे आपने कुछ शिपमेंट किया मक्स लाइन के साथ, ठीक है, तो उसका आपके पास इनवाइस कैसे आएगा, जिसका जैसे NVOCC का, तो आपको NVOCC शिपिंग लाइन का आपको तो मेल पे मिल जाता है, और जो मक्स लाइन का MLO लाइन का जो तीन चार लाइनें हैं, जैसे मक्स लाइन हो गया, CMA लाइन होगी, हैपैक होगी, और इसके अलावा और भी शिपिंग लाइन है जैसे WOCL भी होगी। तो अभी आपको इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि मक्स लाइन में आप जब भी आप शिपमेंट करते हैं तो आपके पास इनवाइस कैसे आपके पास आएगी, आपको इनवाइस कहाँ से मिलेगी, कहाँ से आपको इनवाइस डाउनलोड करनी पड़ेगी, वो चीज़ आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। क्योंकि मैं इस चैनल पर फ्रेट फॉरवर्डिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस और आपके लिए लाता रहता हूँ, और जो भी कोई अपडेट आता है तो वो भी मैं इस चैनल पर आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे आप मक्स लाइन का आप जो इनवॉइस है उसको कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे आपको मिलेगा, और उसके बाद कैसे आप उसके पेमेंट करेंगे। जब इनवॉइस आपके पास आ जाएगी तो आप पेमेंट आप जो USD में करना चाहें USD में भी कर सकते हैं, और आप INR में करना चाहते हैं तो INR का जो लोकल चार्जेस का होता है वो आप लोकल चार्जेस में कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे शिपमेंट आपकी सेल होती है तो आपके पास इनवॉइस कहाँ से आएगी और कहाँ से आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं चलना होगा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए, हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं मक्स लाइन में लॉगिन कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे इनवॉइस उसकी डाउनलोड करनी है, जो भी आपकी शिपमेंट है तो उसकी इनवॉइस आपको कैसे डाउनलोड करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ब्राउज़र में जाके उसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं मक्स लाइन में लॉगिन हो जाता हूँ, ठीक है। इसके बाद हमें, जैसे मैं लॉगिन हो गया हूँ, ठीक है, यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ, और इसके बाद यहाँ पे जो आप मैनेज का आप देख रहे हैं ये ऊपर, ये टैब में मैनेज में जाके आपको एक्सपोर्ट वेयर ओवरव्यू में आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको क्या करना है, ये जो आपको पहले तो आप यहाँ से भी आप BL नंबर डाल के यहाँ से भी आप इनवॉइस डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको जो जो आपको बिल्कुल साफ तरीका है, जो अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा, वो आपको इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो ये लेफ्ट साइड में आप देखेंगे माई फाइनेंस में आप जाएंगे, जैसे माई फाइनेंस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। और जो भी आपकी इनवॉइस होगी, ठीक है, जैसे ये यहाँ पे तो ओपन कर सकते हैं, और जो भी आपकी ओवरड्यू होगी, जो भी आपकी रहेगी होगी, जैसे ये आपका पेंडिंग है, ठीक है, ओवरड्यू वाली आपको डाउनलोड करनी है। ये तो सारी आपकी पुरानी, जो पुरानी से पुरानी भी होंगी वो भी यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ओवरड्यू में जाना है, जो आपकी पेंडिंग होगी, पेंडिंग इनवॉइस होंगी आपकी, जो शिपमेंट की अभी करंटली जो शिपमेंट चल रही होगी, वो सारी जिसकी आपने पे नहीं करी है वो आपको यहाँ पे शो करेगी, ठीक है। ये अमाउंट उसका शो कर रहा है, और ये आपका इनवॉइस नंबर शो कर रहा है, और ये आपका जिस भी शिपमेंट की ये इनवॉइस है वो शिपमेंट नंबर यहाँ शो कर रहा है, ठीक है। जैसे ये आपका फ्रेट का अमाउंट, जो इसका ये फ्रेट की इनवॉइस है ये वाली, ठीक है, USD करेंसी में जो, और ये आपके लोकल चार्जेस की इनवॉइस है, ठीक है। ये आपका आई थिंक ये सील चार्जेस की है, ठीक है। तो आपको डाउनलोड क्या करनी है, जैसे यहाँ पे आपको इस शिपमेंट की है तो आपको ये तीनों सेलेक्ट कर लेनी है, और ये जो आप देख रहे हैं एक साथ ये डाउनलोड हो जाएंगी, जो भी एक एक शिपमेंट आप सेव करना चाहते हैं आपको डाउनलोड करने के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है जो भी एक ही शिपमेंट की से, आपको यहाँ पे BL नंबर देख लेना और यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद ये जो आप डाउनलोड का ऑप्शन देख रहे हैं इस पे आप डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे तो आपकी जो इनवॉइस है वो डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप इसको प्रिंट भी ले सकते हैं। देखिए अभी डाउनलोड हो रही है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, डाउनलोड होकर आपका सिस्टम में सेव हो जाएगी, ठीक है। जिप फाइल आपकी क्रिएट हो गई है, और यहाँ पर आप जाके इसको, यहाँ पर ये फाइल आप देख सकते हैं, यहाँ पर लॉग इन करके आपको यहाँ पे ये देख सकते हैं आपकी तीनों इनवॉइस यहाँ पे डाउनलोड हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो मक्स का इनवॉइस है आप यहाँ पे इनवॉइस डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरीके से आपको मक्स लाइन की जो इनवॉइस है आपको डाउनलोड करनी है और कहाँ से डाउनलोड करनी है, ठीक है। तो इस इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।